और चलिए चलते हैं आपको खरगोन के महेश्वर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। इन बहनों को प्रणाम करता हूं। मैं कार्यक्रम का प्रारंभ बेटियों के पांव धोके करता हूं। नवरात्रि में नौवे दिन मैंने बेटियों का भोज भी करवाया, कन्या भोज। अब कन्या भोज अपने आगे परंपरा है। मैं कन्या भोज करा रहा था, बेटियों के पैर पखार के पानी माथे पे लगा रहा था और उस तरफ दिग्विजय सिंह जी का बयान आ रहा था कि ये मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। मेरे बहनों और भाइयों, क्या कन्या पूजन नाटक नौटंकी है? जरा जोर से बताओ, नाटक नौटंकी है क्या? कन्या भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? अरे कांग्रेस के नेताओं, भारत के संस्कार कैसे भूल गए तुम? सनातन की परंपराएं कैसे भूल गए तुम? ये तुम हो जो अपने भाषणों में माँ बहन और बेटियों को अपमानित करते हैं। यही कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो उनके मुख्यमंत्री रहे हो नेता हो, और चाहे जो उनके बाद आजकल कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है कांग्रेस में। आपने सुना होगा, नाराज होकर कुछ लोग कमलनाथ जी के पास पहुंचे जिनको टिकट नहीं मिला, तो कमलनाथ जी ने कहा कि भैया कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय के फाड़ो, जयवर्धन के फाड़ो। ये कपड़ा फाड़ राजनीति वहां चलती है। लेकिन ये नेता क्या कहते हैं, पिछले उपचुनाव में एक वरिष्ठ नेता जो अनुसूचित जाति से आती है, ग्वालियर संभाग से, उनके बारे में कमलनाथ जी ने कहा ये तो आइटम है। कि कहा एक नेता है जो कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते जो मुझे कहने में भी शर्म आती है, तंच मार। अब ये इनकी संस्कृति है। मैं मां बहनों की बेटियों की इज्जत करता हूं और मैं कह रहा हूं, मैं जब तक जीऊंगा मैं मां बहन और बेटियों का मान सम्मान और इज्जत करूंगा।